अल्लाम स्कॉर्पियंस मैं हूं शेख जवा जावा आपका अपना एस्ट्रोलॉजर अस्ट्रॉजर हमदरब्ल की मोहम्मद 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 वीकली और उसको फोर्टीन टू ट्वेंटी फेबरी आपका यह कैसा गुजरेगा स्कॉर्पियंस सबसे पहले तो मैं आपसे कहूँगा कि मैंने लास्ट uh, वीक भी आपको काफ़ी सारा ब्रीफ किया और uh, um, आपको तो मैंने स्पेशली जो है वो प्रमोशन के बारे में बताया क्योंकि इस बार प्रमोशन में मैंने देखा है कि आपके लिए कोरल जो है वो लगा हुआ है so, सो हमारी प्रमोशन जो कि पाँच फ़रवरी से स्टार्ट है बीस तारीख को इसकी अनाउंसमेंट है उसमें पार्टिसिपेशन करेंगे तो आप इस कॉरल के हकदार हो सकते हैं जो कि आपके अपने रूडिंग प्लेनेट मार्स से मुतलिक है और मैंने इसके बारे में आपको पहले भी बताया कि मार्स से इसका नेगेटिव है कॉरल पहनना आपके लिए बहुत ही अच्छा साबित हो सकता है और कॉरस कॉरल इस वक्त करेगा क्या कॉरल बेसिकली आपका जो मॉरल डाउन हो रहा है उसको बैलेंस करेगा जो आपका पब्लिक इमेज जो डिस्टर्ब हो रहा है उसको बैलेंस करेगा ये चीज़ें आपके लिए बेहद ज़रूरी होती हैं ताकि आप जो पब्लिक में आपका एक मकाम है जो इज़्ज़त है जो वकार है उसको आप सस्टेन रख सकें ये बहुत ही अहम होता है मैं समझता हूँ कि हर चीज़ से ज़्यादा जो अहम चीज़ है वो इज्जत है आपकी सो so, इसके ऊपर आपने स्पेशल फोकस करना है के याद के साथ किसी किस्म के एग्रेसिव एटीट्यूड से जो है वो आपने गुरेज करना है और अपनी सेहत का आपने बहुत ज़्यादा ख्याल करना है अपने एम्प्लॉयज़ को ये मौका मत दीजिएगा कि वो आपके शरिकती या अज़दवाज़ी मामला में इंटरफेयर करें वरना ये आपके लिए अच्छा खासा नुकसानदेह जो है वो साबित हो सकता है इसके अलावा आपके खाना माल का हाकिम सीरह मुश्तरी जो कि आपके पाँचवें घर का भी हाकिम है ये तल्व हो चुका है बहुत ही अच्छी खबरें हैं आपके लिए माली पोजिशन में इन शाला इसकाम आएगा बच्चों की तरफ से खुशखबरी मिल सकती है एन मुमकिन है अगर आप ख्वाहिश रखते हैं हसूल ओलाद की तो अब आपको कोई गुड न्यूज़ मिल जाए और इस वक्त जो भी आपको परवदिगार बेबी देगा वो इन श्ला इन शाला आपकी माली पोजिशन में इसकाम का बायस बनेगा ये मेरा कई साल का तजर्बा है जो मैंने आपके साथ जो है वो शेयर किया दूसरे घर का हाकिम सेरा जब भी और पाँचवें भी जब भी ये चौथे घर में आता है तो आपकी फाइनेंशियल पोजीशन में बेहतरी की एक वजह जो है वो प्रॉपर्टी जो है वो बन सकती है घर के अफराद वो आपके लिए कंफर्टेबल साबित होंगे और आपके कुछ अखराज अपने घर पे भी होंगे पीस ऑफ माइंड मिल सकेगा और इसके अलावा वालदा के साथ तल्लुक काफ़ी हद तक जो है वो बेहतर होंगे चूँकि आपके चौथे घर का किम सिया भी चौथे घर में मौजूद है यहाँ पे जो प्रॉब्लम थी सन की वजह से वो भी अठारह तारीख को आपके जाए के पाँचों घर में चला जाएगा तो ये मामला आपका बहुत ही अच्छे तरीके से सेटल डाउन होता चला जाएगा इसके अलावा आपकी मंगनी तय पाने के इमकान बहुत ज़्यादा रोशन होंगे बच्चों के साथ तल्लत बेहतर होंगे बच्चों की वजह से खानगी माहौल में बड़े पॉजिटिव चेंज जो है वो आप इनशाला देखेंगे आपकी लव लाइफ का एक बार फिर जो है वो आगाज़ होगा और इसके अलावा जो मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज़ है आपकी इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन करना बहुत अच्छा है और अगर ऐसा कई जगह पे ऐसा है कि सवारी और प्रॉपर्टी के हवाले से अगर आप किसी कुरंदाजी में शामिल होना चाहें तो उसमें भी बेहतरी इनामी स्कीमों में पार्टिसिपेशन भी आपकी जो है बहुत ही बेहतर रहेगी तीसरे घर कहा किम स्यारा जोल जो कि चौथे घर का भी आते में ये भी अच्छी पोजीशन में बहन भाई अजीज़ वारब घर के माहौल को बेहतर करने में बल्कि आपका अपना घर कंस्ट्रक्ट करने में बाय करने में आपके लिए जो है वो हेल्पफुल फुल साबित हो जो है ये हो सकते हैं नज़दीकी सफ़र और अजीज़ वारब के साथ मेल मिलाप ये इस हफ्ते का खास एक मोमेंटम होगा इन आप देखेंगे तब्दीली कैसे पॉजिटिव होकर जो है वो आप तक ये पहुँचेगी बेसिक एजुकेशन हासिल करने वाले बच्चों को बहुत अच्छे हालात का सामना इन रहेगा चूंकि सटन जो है ये पॉजिटिव हो चुका है आपके छठे घर का आकेम सैारा जो है ये आपके सातवें में है मैंने बताया अपनी सेहत का बहुत ख्याल कीजिएगा जॉब छोड़ने की गलती मत कीजिएगा वरना जॉब नहीं मिल सकेगी और मैं स्पेशली उन लोगों से स्कॉर्पियो के उन लोगों से कहूँगा जिनके जायचा पैदाइश में सातवां आठवां घर मुतािर है यानी जिनके शरारतीसवाली तल्लुत किसी भी वाले से अगर मुतािर हैं तो आपको नौ सौ ग्राम दाल मसूर या मुर्गी की लेजी का सद लाजमी तौर पर देना है इस वक्त शादी न करना आपके लिए बेहतर होगा दूसरी तरफ सत्रह फ़रवरी को सातवें घर में ही जो है वो शेफ़ कमर होगा तो आपके जो सिबलिंग्स हैं जो आपके सुसालीजोक रब हैं जो सुसाली बहन भाई हैं वो आपकी मैरिटल लाइफ में आपकी एजवाजी ज़िंदगी में एक बड़ा ही पॉजिटिव रोल जो है वो प्ले करेंगे और आपके शिक्षात के साथ तल्लुक को बेहतर बनाने में आपकी भरपूर तरीके से जो है वो मदद करते हुए नज़र आ रहे हैं इसके अलावा आपके बैरून मुल्क सफ़र के लिए भी वीज़ा वगैरह अगर आप अप्लाई करना चाहें तो सत्रह अठारह तारीख एक आइडियल टाइम होगा जबकि आप अप्लाई कर सकते हैं सत्रह अठारह शफ कमर यहाँ पर इस सफ़र शफ कमर में मैं आपसे स्पेशली कहूँगा कि अगर आपकी शादी में कोई प्रॉब्लम है तो इस शफ कमर में ये दुआओं की कबूलियत का खास वक्त है आप शादी होने वाले जो या शादी में आसानी के जो अमाल हैं उनको अंजाम दें तो आपके लिए बड़ा अच्छा होगा आ, वैसे भी इसके ऊपर एक वीडियो दी जाती है जो कि इन वीडियो के बाद आपको वो भी मिलेगी दुआओं की कबूलियत का खास वक्त और खास अमल हमारा सबसे मकबूल आम सिलसिला है आ, इसको मिस मत कीजिएगा नोटिफिकेशन पे फोकस रखिएगा और अगर आप हमारे चैनल पे नहीं हैं तो इसको सब्सक्राइब करके तो बेल बटन ज़रूर पुश कर लीजिएगा ताकि आपको बर वक्त तमाम वीडियो जो हैं वो मिलती रहे ये आपके लिए बड़ा ही इन शाला ज़बरदस्त साबित होगा हमारी वेबसाइट पे जैसे कि मैंने आपको बताया कि पाँच से बीस प्रमोशन लगी हुई है इसके अलावा जो जायचा है इंडिविजुअल जायचा उसके ऊपर भी आपके लिए ऑफर लग चुकी हुई है आप जो है हमें व्हाट्सएप पे ज्वाइन करेंगे तो पूरी डिटेल ले लेंगे वैसे भी हमारे जो सोशल मीडिया के पेजेस हैं वहाँ पे भी आपको ये सब कुछ जो है वो मिलता रहेगा अगर आप बरूनमलक वीज़ा अप्लाई करना चाहते हैं या हायर एजुकेशन का कोई उसके लिए अप्लाई करना चाहते हैं तो भी सत्रह अठारह तारीख बहुत ही आइडियल टाइम होगा जबकि आप अप्लाई करेंगे तो आपको बड़ी आसानी मिलेगी उसके बाद मून जो है ये आपके जाए के दसवें घर में आएगा तो फिर कारोबारी हवाले से कोई लॉन्ग डिस्टेंस जर्नी भी जो आपको मिलेगा आपके रवाबत में डेवलपमेंट होगी और मामला आपके जो है वो एक्सपेंड होते चले जाएंगे दो सब के साथ तल्लुक आपके आपकी ख्वाहाल की तकमील मरकरी अभी रेट्रोगेट है बीस तारीख तक तो ये थोड़ा सा मामला स्लो होगा लेकिन ये भी मैं आपको बताता चलूँ कि ऐसा नहीं कि ये मामला होंगे नहीं ये चलते चले जाएंगे लेकिन थोड़ा सा स्लो स्लो होने का मतलब ये होता है कि बात चल रही है लेकिन अगर आप चाह रहे हैं कि भाई एक हफ़्ते में कोई आपका टारगेट है तो वो एक हफ्ते की बजाय एक दो दिन ऊपर हो के ये मामला तो आपके इन श्ला चलते रहेंगे दसवें घर का हकम कैरियर रोजगार का हकम सियारा शम्स शम्स वन एटी डिग्री पर खड़ा है राइट नाउ लेकिन अट्ठारह तारीख को ये आपके जायचे के पाँचवें घर में आ जाएगा जब ये पाँचवें घर में आएगा तो कैरियर रोज़गार पर मौजूद दबाव जो है वो ख़त्म हो जाएगा आपके वालद बल्कि मैं वालदान के साथ कहूँगा अगर कोई इतराफात थे प्रॉब्लम थी तो उसका भी इन खात्मा होता चला जाएगा और आपकी इज़्ज़त वकार में इजाफ़ा होगा आपको गवर्नमेंट सेक्टर में भी जो है वो अच्छी पजीराई मिलेगी अगर आपके कोई काम रुके हुए हैं तो वो मिल सकेंगे ऐसे लोगों के साथ नशस्त बर्खास्त होगी जो कि माशरे में एक अच्छा मकाम जो है वो ऑलरेडी अपने लिए बना चुके हुए हैं और ये मामला ले चुके हैं जो हमारे मुकीम है बहन भाई उनसे मैं कहूँगा कि सवारी और जगह की तब्दीली इस हफ़्ते आपके लिए बेहतर नहीं चूँकि वीनस जो है ये कमबस में है गुरु की हालत में है कुछ गलत फ़ैसला ना करवा दे बेहतर होगा कि आप इसे गुरेज़ करें और अगर आप बाबर मजबूरी करना चाहें तो हमारा नंबर डिस्प्ले आ रहा होता है आप रबा करके अपने लिए कुछ खास सदका जो है वो सजेस्ट करवा सकते हैं उम्मीद करता हूँ इन इंफॉर्मेशन से आप जो है अपने लिए एक बेहतर प्लानिंग कर सकेंगे और इन मलमात से मुस्तद हो तो मुझे मेरी मीडिया टीम को मेरी फैमिली को अपनी दुआ में जरूर याद कीजिएगा इजाज़त चाहूँगा खुदाफ़